दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभान और हिंदू एडिटोरियल के आज का टॉपिक है डिगिंग डीपर। डिगिंग डीपर, डिग मतलब तो खुदाई होता है जानते हैं, और डीप का मतलब और ज़्यादा गहरा खोदना। लेकिन यहाँ पर जो है डिग डीपर जो है एक ईडियम है, याद रखिएगा। डिग डीपर का जो मतलब होता है वो मतलब कि अपने आप को जो है मेंटली या फिर फिजिकली जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जर्ट करते हैं खुद को, उसको मतलब कि उसको अपने आप को झोंकते हैं एक तरीके से, या फिर टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन समथिंग, या फिर बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एक सेंस में जो आया है डिगिंग डीपर, यहाँ पर कहने की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको और ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है झोंक अपने आप को, जिससे कि वो जो है कॉम्पनसेट कर सके किसको, राज्य को, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा ये चीज़। विद जीएसटी कलेक्शन सेट टू श्रिंक, कहा जा रहा है जीएसटी जो कलेक्शन है, यानी कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो कलेक्शन है वो जो है वो क्या होना है, सेट टू मतलब रेडी टू, मतलब कि वो तो ये है कि ये होने वाला है, वो सेट टू श्रिंक, वो सिकुड़ने वाला है, वो कम होने वाला है। तो सेंटर मस्ट फाइंड न्यू वेज, तो सेंटर को जो है, केंद्र सरकार को जो है नए रास्ते की तलाशना चाहिए, किस लिए, ताकि स्टेट्स को कॉम्पनसेट किया जाए, यानी कि उसको हर्जाना या मुआवजा दिया जा सके, भुगतान किया जा सके, ठीक है। कॉम्पनसेट मतलब कि भुगतान कर, एक तरीके से मुआवजा देना, ठीक है ना, या क्षतिपूर्ति करना स्टेट्स को, ठीक है। 4 months into FY 2020-21, यानी कि ये जो है फाइनेंशियल ईयर जो है 2020-2021 के 4 महीने हो चुके हैं, 4 months into 2020-21, ठीक है। द सेंटर हैज फाइनली मैनेज टू पे स्टेट्स द कॉम्पनसेशन ड्यू टू दैम फॉर द प्रीवियस ईयर अंडर द जीएसटी रजीम, यानी कि ये जो है 2020-2021 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 4 months जो है बीत चुके हैं लगभग, और सेंटर जो है इसी के साथ जो है फाइनली अंततः जो है इसने कामयाबी हासिल की या सफल हुआ क्या करने में, स्टेट्स को कॉम्पनसेशन पे करने में, ठीक है ना, उसको जो है भुगतान जो है, ठीक है, कॉम्पनसेशन जो है, जो मुआवजा है उसको भुगतान करने में जो है स्टेट मतलब सेंटर जो है वो सफल रहा। ये कॉम्पनसेशन जो है ड्यू टू देम, यहाँ पर ड्यू टू का मतलब ये नहीं होता बिकॉज ऑफ नहीं है, ड्यू टू देम का मतलब होता है ऑट टू देम, यानी कि जो उस पर बकाया था, यानी कि जो राज्यों पर जो है मतलब राज्य जो है वो मतलब कि उन पर ऋण था, मतलब सेंटर जो है ऋणी था इसके राज्य के प्रति, क्योंकि सेंटर को ये पैसे राज्य को देने थे, ठीक है। तो ड्यू टू देम मतलब कि ये जो पैसे हैं ना, ये जो कॉम्पनसेशन है जो कि सेंटर ने फाइनली मतलब कि पे किया स्टेट्स को, वो उनको देने थे, वो बकाए थे उन, ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के लिए, अभी इस साल के लिए नहीं बता रहा है, पिछले साल का, अंडर द जीएसटी रेजिम। रेजिम का मतलब होता है शासन, या फिर एक होता है सिस्टम, ठीक है ना, यानी कि व्यवस्था। ये जो जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रीवियस ईयर का जो बकाया था उन पर, ठीक है ना, उस उन पर यानी कि स्टेट को मतलब कि देना था सेंटर को, ठीक है ना, मतलब स्टेट जो है वो उसको जो नया जो रूल आया था, नया जो शासन, नया व्यवस्था जो आई थी जिसके तहत जो है आईजीएसटी जो होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है, उसके तहत जो है सेंटर के पास सारे पैसे चले जाते थे, तो वो सेंटर जो है बाद में उसे जो है स्टेट को दे दी थी। तो वही जो है वो कॉम्पनसेशन जो है वो देना था, तो उसको देने में जो है पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, वो सफल रही सेंटर इस बार, ठीक है ना। दिस मे कम एज अ ब्रीदर फॉर स्टेट्स सीकिंग टू फाइनेंस एफर्ट्स टू रैंप अप पब्लिक हेल्थ केयर कैपेसिटी एंड कंटेन COVID-19 डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन वल्नरेबल सेक्शन। ये जो है ये किसके रूप में आया है, एक राहत के रूप में आया है, एज अ ब्रीदर, ब्रीदर मतलब राहत के रूप में आया है उन राज्यों के लिए जो चाहते हैं सिकिंग मतलब जो चाहते हैं फाइनेंस करना, मतलब कि एक तरीके से धन उपलब्ध कराना उन कोशिशों के लिए जिसमें जो है पब्लिक हेल्थ केयर यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल क्षमता को बढ़ाने की जो कोशिश है, रैंप अप मतलब बढ़ाना,
उसकी जो कोशिश है उसको उसको फाइनेंस करना, और क्या है कंटेन करने की जो कोशिश है, यानी कि नियंत्रित करने की, या कह सकते हैं रोकने की, कोविड-19 का डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, ये जो है डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक इफेक्ट्स, ठीक है, डेंजरस इफेक्ट्स ऑन वल्नरेबल सेक्शन, ये जो कमजोर लोगों के, कमजोर वर्गों के भी पर जो कोविड-19 का जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स को रोकने के लिए, उसको नियंत्रित करने की जो कोशिश है, और पब्लिक हेल्थ केयर कैपेसिटी को बढ़ाने की जो कोशिश है, उसको फाइनेंस करने को जो स्टेट्स चाह रहे हैं, उसके लिए यह एक राहत की बात है, या राहत हो सकता है ये, ठीक है। द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 13,806 करोड़ फॉर मार्च 2020 वॉज पेड आउट रिसेंटली। कहा जा रहा है कि जो लास्ट अंतिम जो किस्त है 13,806 करोड़ रुपये का, मार्च 2020 का, ठीक है ना, ठीक है, फॉर मार्च 2020, यानी कि मार्च 2020 के लिए जो है 13,806 करोड़ का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो भुगतान किया गया, वॉज पेड आउट रिसेंटली, हाल ही में, और इस तरह जो है टेकिंग द टोटल पेमेंट्स फॉर द ईयर, और पूरे साल का जो है, ये तो पूरे साल का, ठीक है, तो पूरे साल का जो ये जो पेमेंट्स होगा, ये भुगतान जो है ये कहाँ तक हो गया, 1,65,302 करोड़, ठीक है ना। तो टोटल पेमेंट्स कितना हो गया पूरे साल का, 1,65,302 करोड़, ठीक है। टू रिफ्रेश, यानी कि अगर जानकारी ताज़ा करें, या अपडेट मतलब अपडेट भी कह सकते हैं इसको आप, रिफ्रेश का मतलब अपडेट भी होता है, तो ये अगर रिफ्रेश करें या जानकारी ताज़ा करें, तो स्टेट्स को जो है ना गारंटी दिया गया था कॉम्पनसेशन का, ठीक है ना, यानी कि जो क्षतिपूर्ति जो मुआवजा है ना उसका जो है स्टेट्स को गारंटी, मतलब गारंटीड मतलब उसे दिया गया था, गारंटी दिया गया था कॉम्पनसेशन का, किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, या सेंटर से उसको गारंटी मिली थी कॉम्पनसेशन का, इसके लिए फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, पहला 5 साल का, ऑफ द न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2017 फॉर द रेवेन्यूज दे लॉस्ट आफ्टर द शिफ्ट फ्रॉम द अर्लियर सिस्टम वेयर स्टेट्स हैड द पावर टू लेवी सम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बस बहुत बड़ा नहीं है, इतना ही छोटा सा ये वाक्य है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, अगर आप इसको मतलब कि टू रिफ्रेश, अगर जानकारी मतलब कि ताज़ा करें, तो स्टेट्स को जो है ये गारंटी दी गई थी कॉम्पनसेशन का सेंटर के द्वारा, ठीक है ना, सेंटर से, फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम। ये न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम जो है वही है GST, ठीक है ना। ये जो GST है ना, GST के यानी कि न्यू इनडायरेक्ट टैक्स जो रेजिम है, यानी कि व्यवस्था जो सिस्टम जो है, जो कि 2017 जुलाई में लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके 5 साल के लिए, मतलब उसका पहला 5 साल के लिए जो है, ठीक है ना, सेंटर के द्वारा स्टेट्स को गारंटीड कंपनसेशन देने की बात की गई थी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो रेवेन्यूज जो थे, फॉर द रेवेन्यूज, उस राजस्व के लिए जो इस दे मतलब स्टेट्स, ठीक है ना, जो स्टेट्स ने खो दिए थे, क्यों खो दिए थे, आफ्टर द शिफ्ट फ्रॉम द अर्लियर सिस्टम, जो पहले का जो सिस्टम था हमारे पास, उससे परिवर्तन, उससे मतलब कि उस सिस्टम को छोड़कर अब जो है शिफ्ट होके नए सिस्टम यानी कि GST में चले आए हैं। तो आफ्टर द शिफ्ट फ्रॉम द अर्लियर सिस्टम, ठीक है, वेयर, जहां पर स्टेट्स हैड द पावर, ये अर्लियर सिस्टम में किया था, या अर्स्टवाइल कह सकते हैं, या अर्लियर सिस्टम, तो उस समय किया था अर्लियर सिस्टम में, पहले के सिस्टम में, कि स्टेट्स को पावर होती थी कि वो लेवी कर सके कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस को, कुछ मतलब कि अप्रत्यक्ष कर को जो है वो लगा सके, लेवी मतलब लगाना या इम्पोज करना, ठीक है ना। तो टू लेवी सम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर वो कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा सकती थी, इसका उसको उसके पास एक पावर था अर्लियर सिस्टम में, जो कि जिसके वजह से जो है वो शिफ्ट जो हो गया, तो उसके कारण जो रेवेन्यू उसका चला गया, दे लॉस्ट, तो उसी के लिए जो है उसको गारंटीड कॉम्पनसेशन दिया गया था सेंटर से, ठीक है ना, पहले 5 साल के लिए, ठीक है ना, इस व्यवस्था के तहत, मतलब नया व्यवस्था के तहत, ठीक है। ये बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एकदम टेक्निकल टर्म्स वगैरह है। तो दिस कॉम्पनसेशन एज्यूम्ड अ 14% एनुअल ग्रोथ रेट इन अ स्टेट्स रेवेन्यू,
और यह जो कॉम्पनसेशन है यह माना गया क्या था कि 14% एनुअल ग्रोथ मिलेगा इसमें, ठीक है ना, मतलब वार्षिक ग्रोथ जो होगा ये 14% होगा, ठीक है ना, इन स्टेट्स रेवेन्यू। स्टेट रेवेन्यू जितना भी स्टेट रेवेन्यू, मतलब कि ये जो टैक्स के थ्रू जो स्टेट रेवेन्यू, मान लीजिए आज 100 रुपया आ रहा है, तो अगले साल जो 114 रुपया आएगा, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो दिस कॉम्पनसेशन जो है, इसमें एज्यूम्ड ये माना कि 14% एनुअल ग्रोथ रेट होगा इन स्टेट्स रेवेन्यू विथ 2015-2016, ठीक है ना, जिसमें 2015-16 जो है उसको क्या माना गया, आधार वर्ष माना गया। ये जो कॉम्पनसेशन जब मतलब कि माना गया कि ये 14% का एनुअल ग्रोथ मिलेगा इसमें, ठीक है ना, स्टेट्स रेवेन्यू में, लेकिन ये कब से मिलेगा, तो इसको माना गया कब से, 2015-16 बेस ईयर माना गया, आधार वर्ष माना गया, तो वहीं से इसको 14% मिलेगा। एंड वॉज टू बी पेड, और इसे पे किया जाना था, इसे मतलब कि पे किया मतलब भुगतान किया जाना था फ्रॉम अ कॉम्पनसेशन सेस। अब सेस का मतलब क्या होता है, ये भी है एक प्रकार का टैक्स होता है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है ना, टैक्स पर टैक्स। मान लीजिए किसी चीज पर लग्जरी आइटम्स वगैरह में बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं, और फिर उस टैक्स पर भी एक टैक्स होता है, उसको कहते हैं सेस। तो यह जो है, यह मतलब कि कॉम्पनसेशन जो है, इसे पे आउट किया जाना था, यानी कि इसे भुगतान किया जाना चाहिए, किया जाना था किस चीज से, कॉम्पनसेशन सेस से, याद रखिएगा ये चीज। ये कॉम्पनसेशन सेस कहाँ लगाया जाता है, लेविड ऑन टॉप ऑफ द स्पेसिफाइड जीएसटी रेट ऑन लग्जरी एंसीन गुड्स। लग्जरी गुड्स में यानी कि जो विलासितापूर्ण जो साजो सामान है उस पर, और सीन गुड्स, सीन गुड्स उस गुड्स को कहते हैं, उन सामानों को कहते हैं जो कि आपके लिए खड़ा भी कर सकता है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, ये सारे चीज जो हैं वो सीन गुड्स में आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, ठीक है। तो उस टैक्स में और एक टैक्स लगाते हैं, तो वो सेस होता है, और उसी का जो है कॉम्पनसेशन सेस कहा गया है। तो उसी के थ्रू जो है यह रेवेन्यू जो है, जो कि इसको 14% जो ग्रोथ होना था, इसको पे किया जाना था, पे आउट किया जाना चाहिए, यानी कि भुगतान किया जाना था, ये कॉम्पनसेशन सेस से, जो कि लगाया गया था, लगाया जाना है या लगाया जाता है किस पर, ऑन द टॉप ऑफ द स्पेसिफाइड जीएसटी रेट, यानी कि जो टॉप ऑफ द स्पेसिफाइड मतलब सबसे ऊंचा जो स्पेसिफाइड, निर्दिष्ट कह सकते हैं, स्पेसिफाइड यानी कि विशेष या विशेषीकृत कह सकते हैं, जीएसटी रेट ऑन लग्जरी एंड सीन गुड्स, लग्जरी और सीन गुड्स पर जो एक स्पेसिफाइड, एक खास जीएसटी रेट जो लगाया जाता है, जो कि सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊपर मतलब कि सबसे ज्यादा होता है, उस पर जो लेवी किया जाता है कॉम्पनसेशन सेस को, यानी कि उस पर जो है टैक्स लगाया जाता है, और उसी टैक्स से जो है आप क्या करते हैं, ये कॉम्पनसेशन जो है पे करते हैं किसको, स्टेट को, ठीक है, विथ ग्रोथ डाउन ओवर द प्रीवियस फिस्कल ईयर इवन बिफोर द पैंडेमिक वेल एट द इकोनॉमी। कहा जा रहा है इकोनॉमी का रास्ता रोकने से पहले ही, ठीक है ना, पैंडेमिक के द्वारा इकोनॉमी का, वेल एट का मतलब रास्ता रोकना, या आप कह सकते हैं भटका देना, ठीक है ना। तो इकोनॉमी का पेंडेमिक के द्वारा रास्ता रोकने से पहले ही, ठीक है ना, पहले ही ग्रोथ जो था वो डाउन था, कब, ओवर द प्रीवियस फिस्कल ईयर, मतलब कि प्रीवियस मतलब पिछला, और फिस्कल मतलब राजस्व वर्ष, तो पिछला राजस्व वर्ष में या पिछला राजस्व वर्ष के दौरान, ओवर का मतलब यहाँ पर जो है ड्यूरिंग होता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग, ठीक है। तो विथ ग्रोथ डाउन, चूंकि ये जो है ग्रोथ जो था यानी कि वृद्धि या विकास जो है, विकास जो था वो डाउन था, नीचे था, ओवर द प्रीवियस फिस्कल ईयर पिछले वर्ष में, पिछले फिस्कल ईयर में, ठीक है ना, इवन बिफोर द पैंडेमिक वेल एट द इकोनॉमी, यहाँ तक कि पैंडेमिक ने जो इकोनॉमी को एकदम रोक सा दिया उसके पहले ही, द एजम्पशंस ऑफ नॉट टू डिस्टेंट। ये नॉट टू डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नियर, ठीक है ना, इतना बड़ा नहीं है, नियर, ठीक है ना। तो ये जो एजम्पशन, जो अवधारणा है, ठीक है ना, किस चीज का, ये नियर पास्ट का मतलब कि बहुत नजदीक अतीत का, वो जो है वो क्या करने लगा, आर बिगिनिंग टू हर्ट, ये जो है कहीं ना कहीं परेशान करने लगा।
कॉम्पनसेशन सेस अंडर जीएसटी लास्ट ईयर, ये जो कॉम्पनसेशन सेस है इसको आप सेस पढ़िए या टैक्स पढ़िए, इसको सेस को जो है ना उपकर भी कहते हैं, ठीक है ना, उपकर मतलब टैक्स पर यानी कर पर जो एक और कर लगाया जाता है उसको उपकर कहते हैं। तो ये जो कॉम्पनसेशन सेस है जीएसटी के तहत, ठीक है ना, पिछले साल वॉज ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ लेस, 70,000 रुपीज, 70,000 करोड़ रुपीज लेस देन द पेमेंट्स ड्यू टू स्टेट्स। यानी कि ये जो कॉम्पनसेशन सेस था जीएसटी के तहत पिछले साल वो क्या था, जितना स्टेट्स को दिया जाना था, जितना स्टेट्स में बकाया था भुगतान करने का, यानी कि जो भुगतान किया जाना था स्टेट्स को, उससे 70,000 करोड़ कम था। यानी कि मान लीजिए 2 लाख करोड़ स्टेट्स को देना है, ठीक है ना, और तो इसके पास जो है अभी कॉम्पनसेशन जो है अभी 1,30,000 करोड़ ही है, मतलब 1,01.3 करोड़ ही है, ठीक है ना, या लाख कह सकते हैं, लाख करोड़ ही है, 2 लाख करोड़ जो है जीएसटी को देना है। तो इसमें जो है जो ये जो सेस जो है कॉम्पनसेशन सेस जो है जीएसटी के तहत वो मात्र 1,30,000 करोड़ ही हुआ, यानी कि 70,000 करोड़ कम हुआ, ठीक है ना। तो दिस गैप इज लाइकली टू इनलार्ज फर्दर दिस ईयर। तो यह गैप जो है, यह जो 70,000 का जो गैप है वो और ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा इसमें विस्तार आएगा इस गैप में, इस अंतर में इस साल विथ एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें जो है अपेक्षित, एक्सपेक्ट मतलब जिसको उम्मीद की जा रही है, तो जिसमें अपेक्षित जो आर्थिक संकुचन है, यानी कि जो एक तरीके से कमी है, आर्थिक जो कमी है, डेंटिंग, डेंटिंग मतलब हार्मिंग करना, ठीक है ना, डेंटिंग या डैमेजिंग करना कह सकते हैं। जीएसटी कलेक्शंस एज वेल का मतलब ऑल्सो होता है, ठीक है ना, या टू होता है, तो भी मतलब कि ये जो कह रहा है कि यह गैप जो है संभावना है कि यह और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यह गैप, यह अंतर और ज्यादा बड़ा होगा इस साल, जिसमें जो है अपेक्षित जो आर्थिक कमी है वो जीएसटी कलेक्शन को भी डेंट करेगा, मतलब क्षति पहुंचाएगा। कॉम्पनसेशन सेस इनफ्लोज, ये जो कॉम्पनसेशन है, देखिए कितना अच्छा वाक्य है यहाँ पर, ये कॉम्पनसेशन भी नाउन है, सेस भी नाउन है, और इनफ्लोज भी नाउन है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो है दो नाउन जो है ना, ये नाउन ये तीसरे नाउन को जो है, ये दोनों नाउन मॉडिफाई करती है, मतलब ये दोनों जो है एडजेक्टिव का काम करती है। तो कॉम्पनसेशन सेस इनफ्लोज कुड श्रिंक, ये जो है, और ये यानी कि कॉम्पनसेशन सेस का जो इनफ्लोज है जो आ रहा है, यानी कि कॉम्पनसेशन से जो जो कर्ज कह सकते हैं, कॉम्पनसेशन सेस इनफ्लोज जो है, यानी कि जो उसका जो आना है, आना आना मतलब समझ रहे हैं ना, जो कॉम्पनसेशन मतलब जो सेस लगाए रहे हैं उससे जो उगाही हो रही है, तो इनफ्लोज मतलब वो जो आ रहा है, यानी कि जिससे हम कर को उगाही कर रहे हैं, ठीक है ना, वो और ज़्यादा मतलब कि सिकुड़ सकता है, इवन मोर, यहाँ तक कि ज़्यादा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि कॉम्पनसेशन सेस इनफ्लोज जो है कुड श्रिंक इवन मोर, वो और ज़्यादा मतलब कि सिकुड़ सकता है, क्योंकि विथ पीपल कर्विंग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ऑन लग्जरी गुड्स इन ऑर्डर टू कंजर्व कैपिटल और स्टे अफ्लॉट इन द पेंडेमिक हिट इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि कॉम्पनसेशन सेस इनफ्लोज जो है वो और ज़्यादा क्या हो सकता है, श्रिंक हो सकता है, जिसमें लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कर्व कर रहे हैं, यानी कि रोक रहे हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, वो स्पेंडिंग, वो खर्च जो मतलब कि क्या कहेंगे आप उसको, ऐसे खर्च करना जिसमें मतलब कि जैसे जो जरूरत का चीज नहीं हो, जरूरत का चीज समझ रहे हैं आप, यानी कि जो आपका जरूरत का चीज ना होकर, जैसे कार हो गया, जैसे फोन हो गया, ये सब तो जरूरत का चीज है नहीं, तो मनी स्पेंट बाय कंज्यूमर्स ऑन थिंग्स, ठीक है ना, अदर देन नेसेसरी थिंग्स, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथ हो गया, फ्यूल हो गया, ये सब तो जरूरी चीज है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो
मनी स्पेंड किया जाता है उसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, मतलब कि जो नेसेसरी थिंग्स के अलावा दूसरे चीज में अननेसेसरी थिंग्स में अगर यूज करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो उसको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि चूंकि पीपल जो है खुद मतलब रोक रहा है, एक तरीके से प्रतिबंध लगा रहा है किस चीज में, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ऑन लग्जरी गुड्स, विलासिता वाले जो सामान है उस पर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो रहा है उसको रोक लगा रहे हैं, ताकि इन ऑर्डर टू, मतलब ताकि या फॉर द पर्पज ऑफ, ठीक है ना, तो इन ऑर्डर टू कंजर्व कैपिटल, ताकि कैपिटल को यानी कि पूंजी को संरक्षित कर सके और बने रह सके इन द पैंडेमिक हिट इकोनॉमी, यानी कि पैंडेमिक से प्रभावित या पैंडेमिक से प्रभावित अर्थव्यवस्था में बने रह सके। अ लिटिल ओवर हाफ ऑफ द शॉर्टफॉल इन द लास्ट ईयर सेस किटी हैज बीन प्लग्ड बाय टैपिंग सेस बैलेंसेस फ्रॉम द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंट। अब देखिए, अ लिटिल ओवर हाफ मतलब क्या हो गया, आधे से कुछ ज्यादा, ठीक है ना, ऑफ द शॉर्टफॉल, शॉर्ट मतलब कमियां, ठीक है ना। सेस किटी का मतलब क्या हुआ, सेस मतलब तो जानते ही हैं, कर या उपकर, और किटी मतलब कोष, यानी कि जहां पर जमा कर रहे हैं। प्लग बाय, प्लग का बाय का मतलब होता है टू प्रोवाइड समथिंग दैट इज नीडेड, ठीक है ना। टैपिंग का मतलब होता है यूजिंग, और बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आप बैंक में आपका आपके खाते में जो है, आपके अकाउंट में जो है वो 1,000 रुपीज़ है, और आप जाके वहाँ से 200 रुपीज़ डेबिट कर लेते हैं यानी कि निकाल लेते हैं, तो आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा यानी कि शेष राशि जो होगी वो होगा उसको कहते हैं बैलेंस, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है ये जो कमियाँ है ना लास्ट ईयर के सेस के किटी में, यानी कि पिछले साल का जो शेष यानी कि कर कोष जो था, जहाँ पर कर जमा होता है, तो वो कर कोष में जो है जो आधे से कुछ ज़्यादा जो कमियाँ थी उसको जो हैज़ बीन प्लग्ड बाय, उसकी भरपाई की गई किसके द्वारा, कैसे, तो बाय टैपिंग सेस बैलेंसेस फ्रॉम द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंट, यानी कि पहला 2 साल जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, यानी कि जीएसटी को जो लागू किया गया था, तो उसमें जो पहला 2 साल से जो बैलेंस था सरकार के पास, ठीक है ना, उसको यूज करके बाय टैपिंग सेस इम्बैलेंस, तो सेस इम्बैलेंस जो उसके पास था, मतलब सॉरी सेस बैलेंसेस जो उसके पास था, ठीक है ना, फ्रॉम द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के पहले 2 वर्षों में जो जो भी कर आए होंगे, तो वो जो बैलेंस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो उसको यूज करके जो है ये जो सेस किटी में जो शॉर्टफॉल आई थी उसका आधा भाग का भरपाई तो कर लिया गया इसके थ्रू, ये सेस बैलेंसेस के थ्रू, लेकिन आधा जो बचा द रेस्ट हैज बीन कंज्यूर्ड अप, और रेस्ट को जो है कंज्यूर्ड अप किया गया, यानी कि कंज्यूर्ड अप का मतलब होता है प्रकट करना एक तरीके से, उसका एक तरीके से कहिए मैनेज करना, तो रेस्ट को जो है मैनेज किया गया कहाँ से, फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो कॉन्सोलिडेटेड फंड जो होता है, जो भविष्य निधि कह सकते हैं आप कह सकते हैं, ठीक है ना, जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, ठीक है, तो उससे जो है रेस्ट को मैनेज किया गया कैसे, तो बाय डेबिटिंग इंटीग्रेटेड जीएसटी फंड्स, ठीक है ना, दैट वर लाइंग विद द सेंटर, जो कि सेंटर के पास था, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड जो जीएसटी फंड से जो है निकाल कर, यानी कि उस फंड से जो है डेबिट करके, ठीक है ना, ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है रेस्ट अमाउंट को जो है, यानी रेस्ट जो आपको शॉर्टफॉल को जो है उसको पूरा किया गया। IGST, ठीक है, IGST यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी कह सकते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो जो है लेवी किया जाता है, लगाया जाता है किस पर, इंटर स्टेट सप्लाई पर, यानी कि इंटर स्टेट समझते हैं यानी कि अंतर्राज्य, ठीक है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स और एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज के आपूर्ति पर जो इंटर स्टेट मूवमेंट होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उस पर IGST लगाया जाता है, एंड सम ऑफ दिस लेवी, और इसमें से कुछ लेवी जो है या कुछ कर जो है जो कि कलेक्ट किया गया था 2017-18 में, जो कि पहला साल था जीएसटी का, व्हेन सिस्टम्स वर स्टिल अ टेस्ट
टैड एडहॉक, जब सिस्टम जो था, ये जो व्यवस्था थी अब भी, मतलब 2017-18 में, टैड मतलब, और टैड का मतलब होता है स्लाइटली, ठीक है ना, एडहॉक का मतलब होता है अभी भी अनौपचारिक था, मतलब कि कोई प्लान नहीं किया था, ठीक है ना, विशेष रूप से केवल बनाया गया था, ठीक है। तो एक एडहॉक था, एक टैड एडहॉक था ये सिस्टम, पूरी तरह से बना नहीं था ये। तो फर्स्ट ईयर ऑफ जीएसटी व्हेन सिस्टम्स वर स्टिल अ टैड एडहॉक हैड नॉट येट बीन एलोकेटेड टू स्टेट्स, ये जो 2017-18 में जो लेवी कलेक्ट किए गए थे, इसको नहीं एलोकेट किया गया, आवंटित नहीं किया गया, ठीक है ना, स्टेट्स को। आइए देखते हैं IGST क्या होता है इस, ठीक है, और भी आइए दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए, टैक्स जो है जीएसटी के अंदर हम मतलब कि लेवी करके लगाते हैं उसको, मतलब कि उसको उगाते हैं, रेज करते हैं। ये दो तरीके से होता है ये जीएसटी के तहत, एक इंट्रा स्टेट मूवमेंट, यानी कि स्टेट के अंदर ही, जैसे बिहार है तो बिहार के अंदर ही, यूपी है तो यूपी के अंदर ही, और एक होता है इंटर स्टेट मूवमेंट, जैसे बिहार से यूपी या बिहार से बंगाल या बिहार से असम, ठीक है, तो ये एक इंटर स्टेट मूवमेंट होगा। तो इंट्रा स्टेट मूवमेंट में जो है ये दो टैक्स होते हैं, एक सेंट्रल जीएसटी जिसमें अधिकार जो है केवल सेंटर का होता है, और स्टेट जीएसटी जो कि स्टेट उगाती है, ठीक है ना, स्टेट रेज करती है। दो तरीके के होता है, ठीक है, आप किसी भी शॉप में जाइएगा वहाँ पर देखिएगा, एक सेंट्रल जीएसटी लगता है, एक स्टेट जीएसटी लगता है, और दूसरा है इंटर स्टेट मूवमेंट, यानी कि ये जो मूवमेंट होता है, ये ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि जैसे बिहार से यूपी गया या बिहार से आसाम गया या बिहार से दिल्ली गया, ठीक है, तो ये दोनों राज्यों के बीच जो आवागमन या ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको कहते हैं इंटर स्टेट मूवमेंट, जिसको उसमें वो जो उगाया जाता है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी कहा जाता है, ठीक है, और इंटीग्रेटेड जीएसटी पर जो है उस पर अधिकार होता है इसका सेंटर का, ठीक है। अब देखिए, ये जो विद इन स्टेट जो है, पहले इसको मतलब कि एक ही राज्य के अंदर, यानी कि इंट्रा स्टेट में जो है, पहले इस टैक्सेशन को कहा जाता था वैल्यू एडेड टैक्स या एक्साइज या सर्विस टैक्स, अब जो है उसको कहा जाता है CGST या SGST, ठीक है ना, और ये जो ट्रांजेक्शन जो है विद इन द स्टेट होता है, और ये टैक्स जो है SGST जो है वो केवल स्टेट के द्वारा लिया जाता है, और सेंट्रल जीएसटी जो होता है वो सेंटर को जाता है। अब आउटसाइड स्टेट अगर कोई सेल होता है, बिक्री होता है, तो उसमें जो है पहले उसको कहा जाता था सेंट्रल सेल्स टैक्स या फिर एक्साइज या सर्विस टैक्स, ठीक है, तो अब जो है उसको कहा जाता है IGST। ये जो है ट्रांजेक्शन जो होता है आउटसाइड द स्टेट होता है, ठीक है ना, ये सेल, और इसमें जो है केवल वन टाइप ऑफ टैक्स लगता है IGST, जो कि सेंटर को जाता है। समझ गए इतना सो? आइए देखते हैं। देखिए, अटैट का मतलब स्लाइटली होता है, एडहॉक का मतलब होता है मैड और हैपनिंग ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, केवल किसी पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए जिसको बनाया जाता है या होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ये कहा जा रहा है फिर जो है IGST जो है लेवी किया जाता है, ये बताया ही थे कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, एंड सम ऑफ द लेवी, सम ऑफ दिस लेवी जो है, जो कि 2017-18 में कलेक्ट किए गए थे, जो कि पहला साल था जीएसटी का जब मतलब कि जब सिस्टम जो था अभी भी स्लाइटली, मतलब कि कुछ हद तक जो है एडहॉक ही था, एक मतलब कि अनौपचारिक ही था, और यह जो कलेक्ट किया गया लेवी जो था हैड नॉट येट बीन एलोकेटेड टू स्टेट्स, उसको अब भी जो है वो आवंटित नहीं किया गया था स्टेट्स को। हैविंग दस ड्रॉन अप ऑन, ये ड्रॉन ऑन या ड्रॉन अपॉन होता है, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है यूज करना, यानी कि ये इस तरह, इस प्रकार, दस मतलब इस प्रकार या इस तरह जो है, इस मतलब कि इन दिस, मतलब इन अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड का मतलब क्या होता है, जिसका इरादा नहीं किया गया था या अनअपेक्षित कह सकते हैं, कॉन्टिंजेंट रिजर्व, ये जो कॉन्टिंजेंट रिजर्व होता है, ठीक है ना, जो निधि किसको इसको कह सकते हैं, अपेक्षित जो कॉन्टिंजेंट मतलब कि तरीके से क्या कहेंगे आप उसको, एक मतलब कि आप कह सकते हैं ऐसे समय में जब जरूरत पड़े तो वो कॉन्टिंजेंट मतलब कि इसको एक तरीके से ये रिजर्व में रखा जाता है, अगर कुछ
मतलब सरकार को जरूरत पड़ती है कि यहाँ से पैसे लेने हैं या पैसे का यूज़ करना है, तो वो कॉन्टिजेंट रिजर्व्स रखते हैं। तो इस तरह जो है इसको यूज़ करने के बाद, ये जो अनइंटेंडेड कंटिजेंट रिजर्व्स को यूज़ करने के बाद हैविंग लगा हुआ है ना, तो यहाँ मतलब कि ये परफेक्ट है, यानी कि हैविंग दस ड्रॉन ऑन मतलब यूज्ड, ठीक है। ये अनइंटेंडेड कंटिजेंट रिजर्व्स को यूज़ करने के बाद क्या हुआ कि पेइंग कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स, यानी कि ये जो मुआवजा जो भुगतान जो देना था स्टेट्स को इस साल, ठीक है ना, जो इस साल देना है, इज गोइंग टू बी इवन मोर डॉन्टिंग, ये जो है होने जा रहा है और ज़्यादा कठिन सेंटर के लिए, ठीक है ना। एट द लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग इन जून, ये जो जून में जो लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था, हैड सेड, उन्होंने कहा था कि काउंसिल वुड कन्वीन, या वुड कन्वीन का मतलब होता है बुलाना या मिलना, ठीक है ना। तो ये जो है काउंसिल जो है, यानी कि ये जो जीएसटी काउंसिल जो है वो फिर से मिलेगी अगेन इन जुलाई, जुलाई में, जस्ट टू डिस्कस द पॉसिबल अल्टरनेटिव, यानी कि केवल संभावित विकल्पों पर चर्चा करने के लिए ये मिलेगी। ये संभावित ऑल्टरनेटिव जो होगा ये किसके लिए होगा, टू डील विद दिस पर्टिकुलर कॉनंड्रम। कॉनंड्रम का मतलब होता है प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू बी सॉर्टेड आउट, ठीक है ना, मतलब एक पहेली कह सकते हैं, बड़ा उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर, इस खास पहेली को सुलझाने के लिए जो है जो संभावित विकल्पों पर चर्चा करने के लिए काउंसिल जो है फिर से बुलाई जाएगी। द चीफ सॉल्यूशन ऑफिशियल्स हैव बिन फ्लैशिंग आउट, ये जो चीफ सॉल्यूशन जो मुख्य समाधान है जिसको कि ऑफिशियल्स जो है वो बार बार लेके आ रहे हैं, या हैव बिन फ्लैशिंग आउट, उसको फ्लैश आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये फ्लैश आउट का मतलब होता है ऐड करना, कि उसको जोड़ना एक तरीके से, ऐड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो चीफ सॉल्यूशन जो है जिसको कि बार बार वो जोड़ रहे हैं ऑफिशियल्स अधिकारी, वो क्या है, इज फॉर द सेंटर, वो सेंटर के लिए है, यानी केंद्र के लिए है, कि वो जो है एक स्पेशल लोन्स मतलब कि ले या रेज करे अगेंस्ट फ्यूचर जीएसटी सेस एक्रूअल्स, ठीक है ना। एक्रूअल्स का मतलब होता है एक तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीजमेंट ऑफ समथिंग, यानी कि संग्रहण कहिए आप उसको। तो भविष्य में जो जीएसटी कर है, कर का जो संग्रहण है, उसके अगेंस्ट में स्पेशल लोन्स लेने का मतलब कि सुझाव है, ये चीज़ मतलब कि ये एक समाधान है। चीफ सॉल्यूशन जो है वो क्या है, देखिए चीफ सॉल्यूशन, उसके बाद सीधे यहाँ पर ईज आ गया, ठीक, और यहाँ पर बीच में जो है एक, ये एक तरीके से कह सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ऑफिशियल जो कि फ्लैश आउट कर रहे हैं वो क्या है सेंटर के लिए, कि वो जो है स्पेशल लोन्स उगाए, ठीक है ना, उसको ले किसके अगेंस्ट में, फ्यूचर जीएसटी सेस एक्रूवल्स, यानी कि भविष्य में जो जीएसटी सेस एक्रूवल्स होगा, जो संग्रहण होगा, उसके अगेंस्ट में ये लोन ले, ताकि इन ऑर्डर टू हेल्प, ठीक है ना, ताकि मदद की जा सके, क्या करने में, मीट इट्स कॉम्पनसेशन प्रॉमिस टू स्टेट्स, ताकि यह जो है सेंटर जो है अपने जो कॉम्पनसेशन जो मुआवजा कर सकते हैं का जो प्रॉमिस किया गया स्टेट्स को, ठीक है ना, मुआवजा देने का या भुगतान देने का, उसको पूरा कर सके। देयर इज नो साइन ऑफ दैट मीटिंग बीइंग शेड्यूल्ड येट, ऐसा कोई भी संकेत नहीं है कि इस प्रकार का जो मीटिंग है वो निर्धारित किया जा रहा है अभी तक, ठीक है, अभी तक ऐसा कोई भी साइन नहीं है, ठीक है ना, येट मतलब अभी तक ऐसा कोई भी साइन नहीं है मीटिंग को शेड्यूल करने की, मतलब कि मीटिंग को निर्धारित करने की। दैट द पैंडेमिक्स इकोनॉमिक हैवॉक, ये देखिए यहाँ शुरू हो रहा है दैट, दैट से शुरू हो रहा है ना, तो दैट का मतलब यहाँ पर जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दैट को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ये दैट जो है, इसके बाद ये जो शब्द आ रहे हैं यहाँ तक का, ये जो ब्रैकेट में है ये डैट ही है, होता कि ये जो पैंडेमिक का जो इकोनॉमिक हैबॉक है, यानी कि पैंडेमिक का जो एक आर्थिक कहर है, इसने जो है कई सारी चुनौतियाँ खड़ी कर दी है नॉर्थ ब्लॉक के मैंडरिन्स के सामने, यानी कि नॉर्थ ब्लॉक यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर बैठते हैं, तो वहाँ उनके साथ मैंडरिन्स का मतलब ऑफिशियल्स, ठीक है ना, तो नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स के सामने जो है ये कई सारे चुनौतियां खड़ी कर दी है, और यह ये देखिए, और यह जो है
अंडरस्टैंडेबल है, यानी कि समझने लायक है, मतलब कि समझने योग्य है। बट विद द थर्ड ऑफ दिस फिजिकल ईयर ऑलमोस्ट ओवर, लेकिन कह रहा है कि ये जो है एक तिहाई जो है फिजिकल ईयर जो है वो अब खत्म हो चुका है। इट वुड हेल्प द सेंटर, ये जो है सेंटर और स्टेट्स को मदद करेगा लड़ने में वायरस को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि और प्रभावी तरीके से, ठीक है ना, ये मदद करेगा क्या करने, सेंटर को और स्टेट्स को क्या करने में, वायरस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी तरीके से लड़ने में। इफ़ दे हैड मोर सर्टेनिटी, यदि इन लोगों के पास यानी कि सेंटर और स्टेट्स के पास जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सर्टेनिटी होगा, क्लैरिटी होगा किस चीज़ को लेकर, ऑन द कैश एट देयर डिस्पोजल, यानी कि जो उपलब्ध जो नकदी होगा, जो आप कह सकते हैं जो पैसे होंगे, ठीक है ना, तो उपलब्ध जो पैसे होंगे इनके पास, उनको लेकर अगर निश्चितता हो और क्लैरिटी हो, स्पष्टता हो, तो वो अधिक से अधिक मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी तरीके से वायरस से लड़ पाएंगे। तो दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स पर, साथ ही सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी इसमें वर्ड्स आएंगे वो हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप उसे ज़रूर देखेंगे क्योंकि इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।